Hello everyone, welcome to back ND classes. Today we are going to discuss the important mountain ranges, plateaus and plains. So friends, in previous lecture we already discussed our geomorphology section, landform, summer solstice, winter solstice, earth motions, rotations, revolutions. So student, you have to prepare notes with this explanation, okay? Because मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ सारी चीजें, आपको explain कर रहा हूँ, but आपको जो previous year के question paper दिखोगे तो उसमें आपको को नजर आएगा कि सारे question आपको इस lecture के through मिल जाएंगे. और बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो conceptual basis पर हम लोग कुछ topics बनाएंगे जहाँ से आपके important questions ज्यादा आते हैं और उन पे वीडियो लगे बनाएंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अभी मैं आपको वर्ल्ड का नाम यहां पे और यहां पर पूरी चीज आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर है. तो ये हो गया स्टूडेंट आपके नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया स्टूडेंट फ्लोरिडा. जो मॉम मैंने बनाया है फ्लोरिडा है और यहाँ पे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और इस तरीके से. देन अफ्रीका, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस. सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सुलेमान रेंजेस. सुलेमान रेंजेस जो आपके है वो है पाकिस्तान, ये आपका इंडिया है. ठीक है, दिस इज पाकिस्तान. पाकिस्तान में आपके है सुलेमान रेंजेस. ओके, नेक्स्ट है आपके जाग्रोस रेंजेस. तो जाग्रोस रेंजेस है आपके ईरान में. ईरान के इधर ईरान में आपके जैग्रोस. ठीक है, देन आपका वॉसेज. वॉसेज आपका फ्रांस एंड जर्मनी दोनों की बॉर्डर पर है वॉसेज माउंटेन. स्टूडेंट ये आपको मैं आपको लोकेशन फाइंड आउट करके बता रहा हूँ ताकि आपके पास उसके मेमोराइज हो सके. ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे जा सकता है मैचअप ऑफ फॉलोइंग फ्रांस, जर्मनी, वॉसेज माउंटेन, सुलेमान, पाकिस्तान, इस तरीके से मैचअप में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट है आपका ब्लैक फॉरेस्ट. तो ब्लैक फॉरेस्ट है आपके जर्मनी. ब्लैक फॉरेस्ट आपके ये माउंटेन का नहीं है. ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन राइट. देन अलास्का रेंज. तो ये वाला क्वेश्चन आपके ये हो गया आपके यूएसए फाइन एंड दिस वन इज कनाडा और ये है आपका अलास्का. अलास्का में आपके क्या है अलास्का रेंज. ठीक है, नेक्स्ट है आपके सियेरा नेवादा. सियेरा नेवादा आपके जो नॉर्थ अमेरिका है इसके साउथ वेस्ट में देखेंगे तो हम ले आएंगे सियेरा नेवादा. सियेरा नेवादा रेंजेस फाइन. देन आल्प्स फ्रांस एंड स्पेन. स्पेन तो फ्रांस और स्पेन जो है आपके वह आपके एल्प्स माउंटेन. ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके यूपीएससी में क्वेश्चन किया गया है. देन आपके ब्रेकन्स पर. ब्रेकन्स पर आपके यहां पर है अफ्रीका. तो ब्रेकन्स पर के यहां पर आपके एक दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिए. यहां पर आपके जॉन्सबर्ग है एंड जॉन्सबर्ग इज फेमस फॉर गोल्ड. ओके, एंड किम्बरले, एक प्लेस है किम्बरले.
Kimberley is famous for diamond. Fine. तो ये होगा स्टूडेंट आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन एंड प्लेसेस, ठीक है। और आपके आपके रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, ये पूरा जो मैंने रेंज बनाई है। तो ये रही आपकी साउथ अमेरिका में, ठीक है, और ये है आपकी एंडीज माउंटेन। देन जो ये वाले रेंजेस आपके, ये है नॉर्थ अमेरिका में, और इसका नेम है आपकी रॉकी माउंटेन। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्लेन्स की। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो कौन कौन से और कहां पर है, तो सबसे पहले आपके क्वांटम प्लेन। क्वांटम प्लेन आपके यहां पर आपके जापान, तो जापान के अंदर आपके है क्वांटम। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बस आपको बताना चाहिए। देन है मंचूरियन। मंचूरियन आपकी चाइना, या आपका इंडिया है, चाइना आपके नेबरिंग कंट्री है, तो चाइना के आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो ये यहाँ पे आपके मंचूरियन है। मैं आपके जितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताएं तो रेफर करता हूँ। मंचूरियन प्लेन, देन गुआंगो प्लेन। तो गुआंगो प्लेन भी आपके कहां पर है, चाइना में। तो जो गुआंगो प्लेन है बेसिकली इसके लिए फेमस है, आपके राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहां पर आपके चाइना में काफी ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है आपके यांगसिंग आपके नाम है चाइना में। देन दिस वन इज इट यांगसिंग। सो यांगसिंग इज फेमस फॉर अगेन राइस प्रोडक्शन। ये भी आप देख सकते हैं राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। देन आपका इरावदी प्लेन। इरावदी प्लेन आपके जो म्यांमार है, ये आपका इंडिया है, तो म्यांमार इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सो म्यांमार में इरावदी प्लेन, और ये भी इसके लिए फेमस आपके राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस है। फाइन। देन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन आपको बहुत ही फेमस है इंडिया एंड गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ये आपके कभी का होता है राइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो आपके इंडियन लोकेशन है इनको हम लोग डिटेल करेंगे, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सिंधु सतलज प्लेन। ये भी कहां पे आपके इंडिया में। सिंधु सतलज प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन है आपके सिंधु सतलज प्लेन, ये आपके फेमस है वीट प्रोडक्शन के लिए। गेहूं यहां पर सबसे ज्यादा होता है, वीट प्रोडक्शन। ओके। देन मरे डार्लिंग प्लेन। तो डार्लिंग आपके जो रिवर है ऑस्ट्रेलिया की रिवर है मरे। ऑस्ट्रेलिया
ठीक है, और डांस क्लास के अंदर दिए क्लास होती है, किसी काम आती है मशीनरी, शिफ्ट ब्रीडिंग की काम आती है, मतलब इनको जनरली ये फूड एक्सपर्ट शिफ्ट का, ठीक है। देन लोम्बार्डी आपके इटली में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब उसको स्किप कर रहे हैं, अभी बात करते हैं लोग जो इम्पोर्टेंट टैटूज हैं आपके बॉडी में, बाकी लोकेशन को हम लोग आगे जो हम लोगों को पढ़ेंगे जितना जुड़ा उसमें डिस्कस की जाएगी आपसे। ठीक है, तो अभी क्या इंपॉर्टेंट प्लेटू, तो सबसे पहले आपके कोलंबिया स्नेक प्लेटू, कोलंबिया स्नेक प्लेटू आपके यहां पर आपकी कोलंबिया, आपको इसमें मैप में लोकेशन करने के लिए बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन है, जल्दी क्वेश्चन क्या आएगा कि किम्बरली प्लेटू कौन से कंटिनेंट में, कौन से कंट्री में, ये क्वेश्चन आपके आता रहेगा, तो मैं आपको लोकेशन इसलिए फाइंड करके बता रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज भी अच्छे से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दक्कन प्लेट, दक्कन प्लेटू आपके लिए इंडिया है, तो इंडिया में महाराष्ट्र है वहां पर है दक्कन महाराष्ट्र, मतलब बेसिकली आपके महाराष्ट्र में, वैसे इसका जो एरिया है वो क्या और भी ज्यादा है। देन आपका तिब्बत प्लेट, तिब्बत प्लेट आपके जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपके क्या है तिब्बत, चाइना, ठीक है। देन एशिया माइनर, एशिया माइनर आपके नाम है टर्की, नेक्स्ट आप है चिया पास प्लेटू मैक्सिको, तो मैक्सिको आपको मैं इसको रख करता हूं क्योंकि मैक्सिको जो मैंने यहां पर रखा हुआ सो चिया पास
हम बात करते हैं सुपीरियर लैंग्वेज की। उसमें जो सुपीरियर लैंग्वेज है आपके जो कनाडा है और यूएसए, इसके बॉर्डर पर आपको क्या मिलेगी? सुपीरियर लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आपकी कनाडा में एक और लैंग्वेज का आधार है अथवास्था लैंग्वेज। अथवास्था लैंग्वेज फेमस फॉर यूरेनियम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक आपके कहां पर है? अफ्रीका में। और जो आपके विक्टोरिया लेक है, यही से आपके विक्टोरिया होता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट रिवर का नाइल रिवर। नाइल रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और जो आपके लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है वह है आपकी ब्राजील से निकलती है अमेज़न रिवर। ये आपकी लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, नेक्स्ट है आपके अरल सी। अरल सी आपके यहां पर है, वो कौन सी कंट्रीज में जो रही है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो अरल सी की बाउंड्रीज आपकी जो रही है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। सुन, ये जो कंट्रीज थे आपके, ये आपके जो रशिया है, रशिया का आपके 1991 में क्या हुआ था आपके डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। देन ये आपकी कंट्रीज बन बिफोर 1991 रशिया को क्या बोलते थे? यूएसएसआर बोला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका तंजानिया। तंजानिया एक इंडोमिनेंट एरिया है। तो यूपीएससी का क्या प्रश्न करता है कि जो तंजानिया लेक है वहां से उसकी जो बाउंड्रीज है वो कौन कौन सी कंट्री से टच करती है? तो तंजानिया लेक की जो बाउंड्रीज है आपके वो टच करती है आपके तंजानिया, जैम्बिया, बुरुंडी, विच इनकी जो बाउंड्रीज है उनकी से टच करती है आपके तंजानिया लेक की कंट्री से टच करती है। नेक्स्ट मलावी लेक। मलावी लेक आपके मलावी आपका लेक का नेम भी है एंड मलावी इज कंट्री नेम भी। मलावी लेक इज नेवी कंट्री फ्रॉम दिस मलावी। ओके, एंड मोजाम्बिक तंजानिया। ये आपके नेवी कंट्रीज है मलावी लेक। ठीक है, इसको आप कैलेंडर लेक बोल देंगे कि जो इसका शेड है वो कैसे कैलेंडर ड्राइव करता है, ऐसे कैलेंडर फ्लो करता है इस तरीके से। ओके, देन नेक्स्ट कैस्पियन सी। कैस्पियन सी आपके यहां पर, कैस्पियन सी की आपकी जो बाउंड्री लोकेट करती है उनको कौन कौन सी कंट्रीज है उनके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो कैस्पियन सी आपके रशिया के नाम कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड अदर बेजान। दीज आर द कंट्री विच आर सराउंडेड अराउंड द कैस्पियन सी। राइट, नेक्स्ट है आपके डेड सी। डेड सी आपके कहां पे? इजराइल। डेड सी इजराइल प्लस जॉर्डन की बाउंड्री है। तो डेड सी स्टूडेंट, इसमें अगर आपको क्या करते सेम करते तो आपको क्या इसमें डूबेगा? नहीं, क्यों नहीं डूबोगे इसके अंदर? क्योंकि जो डेड सी है इसकी सैलिनिटी क्या है बहुत ही ज्यादा है।
तो सेलेटिव की ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हम लोग एक्टिव कर पाते हैं, डू नहीं पाते, ठीक है। सेलेटिव क्या होती है, इसको हम ओशनोग्राफी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। रेड सी आपकी जो बाउंड्रीज है, इजराइल एंड जॉर्डन की बाउंड्रीज है। देन आपका मॉन लेक, मॉन लेक आपका टर्की में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, मॉन लेक टर्की, ओके। देन लोकनार लेक, लोकनार लेक आपका चाइना में, राइट। देन टिटिकाका लेक, टिटिकाका आपके नाबे कंट्री है, पेरू, ठीक है। लेके आपके वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पर आप अगर सकते हो नेविगेशन कर सकते हो, अपनी नाव बोटिंग कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, जहां पर आप अगर सकते हो बोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका बोस्टन लेक, बोस्टन लेक आपका नाम है अंटार्कटिका में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। तो सर ये था आपके कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी से। तो थैंक यू एंड हैव ए nice।